अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ 2 पाउंड का चॉकलेट फज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फज केक बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट, बड़ी बड़ी बेकरीज में बहुत महंगा मिलता है। हम इसे घर पर बनाएंगे बहुत सस्ते और आसान तरीके से। चॉकलेट फज केक की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ सेपरेट, क्योंकि वो बहुत ट्रिकी, बहुत ही मज़ेदार होती है रेसिपी, तो मैंने सोचा उसको सेपरेट शेयर कर देती हूँ। और इसकी गनाश, इसकी फ्रॉस्टिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं बहुत आसानी के साथ, ये बाजार बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज को ना हिट करेगा। ये केक इतना ज़बरदस्त है, मैं इसे 1200 रुपये पर पाउंड सेल करती हूँ, और ये इसलिए इतना 1000 रुपये नॉर्मल चॉकलेट केक जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़ेदार है, कि आप लोग इस जो चॉकलेट लवर है ना, उनके लिए रेसिपी बहुत बहुत सुपर हिट रहेगी। तो वो कस्टमर तो इसको खाए बगैर दोबारा दोबारा जो है ना आपसे ज़रूर बनवाएंगे। तो ये इतनी मज़ेदार कैसे बनी है, इतनी आसानी से कैसे बन गई है, किस तरह से क्वांटिटी हमने की है, और ये बहुत इजी मेथड के साथ मैं बनाती हूँ, और ये मेरा सिग्नेचर केक है, और ये बहुत डिमांडिंग में रहता है, और क्योंकि इसकी फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मज़े की, और इसका केक 1 हफ्ते फ्रिज में रहे तब भी वो बहुत मॉइस्ट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ले ली है और मिल्क चॉकलेट ले ली है। मैंने दोनों चॉकलेट ले ली है, ठीक है, उन्हें मैंने चंक्स में कट कर लिया था, ठीक है, बहुत बारीक बारीक इस तरह से श्रेड कर लें, कट कर लेना उस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना, अभी मैं दोनों को मिक्स करने लगी थी, लेकिन मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं आपके साथ डिटेल रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, तो आपको स्केल पे बता दूँ कि कितनी कितनी मेजरिंग ली है मैंने, ठीक है। ये 2/3 कप है, ठीक है, मेजरिंग हमारा 2/3 कप है, पूरा फुल नहीं है, 1.5 टेबल स्पून कम है, ठीक है, जो कि है तकरीबन 58 से 60 ग्राम तक जो है ना, इसको हम लोगों ने मिल्क चॉकलेट ली है, ठीक है। ये मिल्क चॉकलेट है 2/3 कप, ठीक है, और इसको मैंने बहुत बारीक बारीक जो है ना चॉप कर लिया था। उसके बाद इसी कप के अंदर मैं दोबारा से मेजरिंग करूंगी डार्क चॉकलेट की। जब ये दोनों चॉकलेट्स मिलती है ना, तो इनका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, और कलर इतना खूबसूरत आता है और बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट भी ऐड की है उसी कप में, 2/3 जो कप था ना, उसी कप में मैंने डार्क चॉकलेट्स के चंक्स कट किए थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए। तो ये हो गई है 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, मतलब 50 to 60 ग्राम मिल्क चॉकलेट है, बाकी जो है हमारे पास जो है ना डार्क चॉकलेट है, और थोड़ी सी जो है ना मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट सेपरेट रख दी है, ठीक है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी मैंने कहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद मैंने वही कप जो 2/3 कप था ना, वही कप, ये मैं आपको 2 पाउंड की रेसिपी की फ्रॉस्टिंग बता रही हूँ, टोटल लग गई थी, बचा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अब क्रीम को मेजर कर रही हूँ, ये है व्हिप क्रीम। मैंने पहले किसी भी कंपनी की जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है ना, वो यूज करेंगे, उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा इस रेसिपी के अंदर, ठीक है। तो मैंने जो है ना ये व्हिप क्रीम के साथ मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर जो है ना व्हिप क्रीम मैंने ले ली है 2/3 कप, ठीक है, वो भी मैंने इसके अंदर फुल करके ना वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया, माइक्रोवेव इसको किया 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा निकाला बाहर, मिक्स किया, फिर अगेन थोड़ा देर के लिए और कर लिया, मतलब कुछ सेकंड के लिए आपने इसको गर्म करना है, मिक्स करना है, गर्म करना है, एक साथ आपने मिक्स नहीं करना, वरना चॉकलेट बर्न हो जाएगी और फिर टेस्ट का खराब हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि चॉकलेट जो है ना अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये जो मैंने कल केक बनाना आपको बताया था ना, ये पूरी रात के लिए फ्रिज में पड़ा हुआ था, क्योंकि इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसे क्लिंग रैप करके रख दिया हुआ था, इतना मॉइस्ट और इतना सुपर सॉफ्ट बनता है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो कस्टमर ने कुछ और मुझे डेकोरेट करने के लिए बोला था फज केक को, और जब मैं इसको कटिंग कर लिया, तो उनकी कॉल आई कि केक रेडी हो गया। मैंने कहा नहीं, अभी कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप इसको प्लीज़ थोड़ा हाइटेड में बना दीजिएगा, तो 4 लेयर तक आ जाए, लेकिन मैं तो इसे 2 लेयर में कट कर चुकी थी, और ऊपर से थोड़ा सा डॉम शेप थी, वो मैंने साइड पर कर लिया। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इसको 2 लेयर में सेंटर में से ही कट कर लिया था, अगर 4 का होता ना, तो मैं नीचे से इजीली जो है ना 4 लेयर कट कर लेती बारीक वाली। तो ये देखिए चॉकलेट जो है ना यही पड़ी हुई रूम टेम्परेचर पर, मैंने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लिया था, सब चीज़ें मिक्सअप हो गई थी, लेकिन इसको बाद इसको छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी चंक्स वगैरह जो है ना वो चॉकलेट में हमारी गनाश में ना आए, ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरीके से सारी गनाश को जो है ना छन्नी में छान लिया था, और थोड़े छोटे जर्रे, छोटे छोटे चंक्स रह जाते हैं ना चॉकलेट के, तो जब हम उसको क्रीम में मिक्स करते हैं ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बुरे भी लगते हैं और नीटनेस नहीं आती है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारे चॉकलेट्स को जो है ना वो छन्नी से छान लिया था,
स्ट्रेन कर लिया था, और उसके बाद जो है ना मैंने, अब ये रूम टेम्परेचर पर है, मैंने गनाश को जो है ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, पहले रूम टेम्परेचर पर था, उसके बाद अब क्योंकि मैं जब तक क्रीम बीट कर रही हूँ ना तब तक वो मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, लाइक 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कप विप क्रीम ली है जो कि चिल ठंडी है, ठीक है, उसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, इतना बीट कर लेना है मुझे इसको कि यहाँ पर जो है ना स्टिफ पीक आ जाए, बहुत अच्छे से जो है ना बीट हो जाएगी। 1 कप को तकरीबन मैंने इसको 4 मिनट तक बीट किया था, और इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर जब अच्छे से बीट हो गए, मुझे लगा अच्छी सी पीक आ गई है, स्टिफ पीक, तो मैंने इसके अंदर ये देखे हमारी जो चॉकलेट गनाश का कलर कितना खूबसूरत आया है ना, तो अच्छे तरीके से मैंने फ्रीजर से निकाल के इसको मिक्स किया, ये देखे थोड़ी सी हार्ड भी हो गई है, ये देखे कितनी जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह से ना, और टेस्ट तो कमाल का आता है। मैंने दोनों चॉकलेट जो है ना वो मिल्कीज कंपनी की यूज की है, वरना दूसरी कंपनीज की भी यूज करती हूँ, जब वो करूंगी तो उसका भी बता दूंगी आपको, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत मजेदार टेस्ट है इनका ना, और इसको अच्छे से ना हमने मिक्स कर लेना है, इतना अच्छा बीट करना है कि हमारे जो क्रीम है ना वो स्टिफ पीक तक आ जाएगी, और अच्छे वाला बीट करना। और यहाँ पर मेरा जो है ना इलेक्ट्रिक बीटर जो खराब हो गया, तो बहुत सालों बाद, तकरीबन 8 साल बाद मेरा इलेक्ट्रिक बीटर खराब हो गया, और एकदम से स्मेल आ रही थी, धुआं निकलना शुरू हो गया, मैंने बंद कर दिया। फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरा बीटर भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये ना होता तो फिर मैं किस तरह केक डिलीवर करती, बीच में रह जाता ना, तो वो अब ठीक करने को दिया हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती हैं। मेरा स्टार्टिंग का मेरे साथ ही बीटर चलता आया, बहुत साल बाद खराब हुआ है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और कुछ देर के लिए रोई भी थी कि मेरा बीटर खराब हो गया है, उसकी वजह से बाद में बड़े फ्रॉस्टिंग ही नहीं हो रही थी, होता है ना कभी कभी इस तरह से भी। तो फिर उन्होंने कहा 4 लेयर में कट करा, फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको बारीक बारीक लेयर्स में कट किया, क्योंकि मैंने 7x7 इंच में थोड़ा सा हाइट हीट के लिए तो जरूर बनाया था, लेकिन इतना हाइट की हाइट हीट केक के लिए नहीं था ना, तो मैंने उसके बाद बारीक बारीक लेयर कट की, तो जो फर्स्ट लेयर थी उसमें मिल्क मैंने सोक किया, बाकियों पे मैंने सोक नहीं किया, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि स्पॉन्ज इतना मजेदार, इतना जबरदस्त और सुपर सॉफ्ट होता है ना, तो मॉइस्ट होता है, तो फिर जो ऊपर की जितनी भी लेयर्स बच गई थी ना मैंने उन्हें तोड़ फोड़ के सारा इकट्ठा किया और एक लेयर बना दी, ताकि मुझे एक थर्ड लेयर बहुत अच्छी सी मिल सके, और उसको साथ में जोड़ने के लिए मैंने क्रीम का सहारा लिया, और क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स करती रही, मिक्स करती रही, ताकि वो अच्छे तरीके से एक स्पॉन्ज की लेयर बन जाए ना, उसके बाद ये लास्ट की लेयर रखी, उसके बाद मैंने इसे क्रीम से जो है ना ऊपर से कोट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना साइड पर मैंने क्रीम लगाई, और इसकी जो है ना जब मैंने इसको रखना था फ्रीजर में, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और मुझे कस्टमर को डिलीवर करना था, फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना क्रम कोटिंग के साथ ही दूसरी क्रीम भी लगा दी इसके ऊपर ज्यादा सारी, और उसको जो है ना नीट कर लिया था, और इसको ना यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से तरीके से जो ना पहले पैलेट नाइफ से नीट किया, उसके बाद मैंने स्क्रैपर से नीट कर दिया। और यहाँ पर ना जब चॉकलेट वाला कोई भी केक हो ना वो आपसे नीट ना हो रहा हो, प्लास्टर सही ना हो रहा हो, तो पानी रख लिए पास, पहले आपने पैलेट नाइफ को साफ करना है, पानी पानी लगाना है, उसके बाद आपने इसको साफ करते जाना है। यहाँ मैंने 6B नोजल ली थी और उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाला था, और इसके साथ बहुत अमेजिंग फ्लावर बनते हैं, 6B नोजल बहुत अमेजिंग, बहुत मजेदार सी नोजल है, मतलब बहुत ही अच्छी सी नोजल है। तो ये देखिए जो बाकी चॉकलेट गनाश बच गई थी ना उसको मैंने अब बीट कर लिया है, बीट करने से इसके अंदर कोई भी क्रीम ऐड नहीं की है ना, क्योंकि आपने फ्लेवर डिफरेंट देना है, कलर डिफरेंट देना है, तो मैंने वो थोड़ी सी जो बच गई थी ना एक को तो मैंने क्रीम में कर लिया ना नोजल डाल के, दूसरी को मैंने सिर्फ बीट कर लिया था, ठीक है। और इतनी सी चॉकलेट से जो है ना आपका 2 पाउंड का 4 लेयर का केक बिल्कुल तैयार हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नोजल लगा दी, और इसको भी जो है ना मैंने इसी तरीके से कर लिया था, जो बाकी चॉकलेट मैंने रखी हुई थी ना वो मैंने चॉकलेट हल्के से गर्म कर दी थी, मुझे पहले ऑर्डर था कि मैं बलून वाला केक बनाना है, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं चेंजिंग कर दें आप इस तरह से बना दें, तो वो फिर वो साइड पे रख लिया था, उस पर भी बहुत मेहनत लगी थी, तो मैंने यहाँ पर ऊपर चॉकलेट पोर कर दी थी, जो मैंने सिंपल चॉकलेट रखी हुई थी ना उसको मैंने इस तरह से पोर कर दिया, और ना केक जो है ना फ्रीजर में मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, मतलब चिल ठंडा हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसके ऊपर पोर की जो क्रीम थी, क्रीम रूम टेम्परेचर पर थी ना, तो फिर उसके ऊपर अच्छे से पोर हो गई, इसके बाद मैंने डेकोरेट कर दिया था इसको। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये केक कैसा लगा, उसके बाद मैंने स्प्रिंकल कर दिए छोटे छोटे हार्ट्स थे जो कि गोल्डन और सिल्वर कलर के थे, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना इस तरह टॉपर लगा दिया था, तो
आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये केक कैसा लगा। तो ये केक जो कस्टमर का रिव्यू बहुत बहुत अच्छा आया था, उन्होंने सेकंड टाइम ऑर्डर किया था और वो यही केक बनवाया था फर्स्ट टाइम भी, और अब भी उन्होंने कहा नहीं सेम यही हो, केक का जो टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, खास तौर पर स्पॉन्ज का टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए और फ्रॉस्टिंग बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से उनको बना के थोड़ा सा ये डेकोरेट डिफरेंट था। तो मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।